अब दौड़ेगा ये चीता, एक ऐसे शेर जो पूरे पेंडामिक में खामोश था, ओके, अब भागेगा। और जब ये चीता भागेगा ना, तो ये पकड़ में नहीं आएगा। तो ये इसी शेर से रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, दोबारा ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में, ओके। एंड बिफोर दैट कि हम आगे बढ़े उस शेयर से रिलेटेड बातें करें, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज अगर आपका अकाउंट ओपन कराना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पोर्टल पर ले जाएगा जहाँ पर फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। किसके साथ? एंजल ब्रोकिंग के साथ। जीरो डिलीवरी चार्जेस, बहुत अच्छा कस्टमर बेस, बहुत अच्छे फोन एप्लीकेशन, एंड्रॉयड मैक सबके लिए, एज बहुत अच्छा, मतलब एवरीथिंग इज गुड फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रोकिंग फर्म। तो आप जाके अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड मैं बातें कर रहा हूँ, ओके, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आज के दिन लगभग 2% की बढ़त हुई है, 31 का ये चल रहा है, लगभग 1442 रुपये का इसका भाव है। 52 वीक लो की बात करें तो 774 रुपये, मतलब 774 रुपये का 26 मार्च को था। और 52 वीक हाई की बात करें तो 25 फरवरी को 1994 रुपये का ये शेयर था। अब इससे शायद आपको पता चल गया होगा मैं किस शेयर के रिलेटेड बातें कर रहा हूँ। और आज के दिन में लगभग 43% की यहाँ पर डिलीवरीज उठाते हुए हमें मिली है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की ही बात करें तो लगभग अभी ये OFS आया था तो ये सब कुछ खत्म हो गया, ये अभी पुराना यहाँ पर दिखा रखा है, तो यहाँ पर इसकी बात नहीं करते। बट अगर कंपनी की बात करें तो 1 साल ही यहाँ मार्केट में लिस्ट हुए हुआ है, और 10 रुपये का और 2.5 रुपये का, मतलब 1 साल में ही 12 1.5 रुपये का आपको डिविडेंड देते हुए कंपनी नजर आई है, और कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हो उस शेयर का नाम है IRCTC। और इससे बारे में क्यों बातें कर रहा हूँ, सबसे पहले हम न्यूज़ पर चलते हैं सीधे। देखिए, IRCTC है जो IRCT की वेबसाइट, ओके, कल लॉन्च होने वाली है, नई वेबसाइट लॉन्च होने वाली है। अभी तक आप जिस वेबसाइट से टिकट बुक करते थे, ओके, उसमें कुछ हर्डल्स थे, ओके, बट वो कुछ अब ये बहुत अच्छा, मतलब इसमें अपडेशन हुआ है, तो अब चुटकियों में आपकी जो टिकट है वो बुक हो जाएगी, आपको बहुत सारा इसमें फ़ायदे भी मिलेंगे। देखिए, IRCTC की नई वेबसाइट यहाँ लॉन्च हो रही है, कल के दिन 12 बजे लॉन्च करेंगे। रेल मंत्रालय का कहना है कि ऐसी वेबसाइट एवं ऐप के अपग्रेड हो जाने के बाद यात्री पहले के मुकाबले अभी अधिक तेज़ी से टिकट बुक कर सकेंगे, ओके। एज वेल अगर बात करें, केंद्रीय पीयूष गोयल ने इसके पहले जानकारी दी थी कि IRCTC की ई टिकटिंग वेबसाइट और ऐप पर टिकट बुकिंग में आसानी के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा है कि अपग्रेडेशन के लिए के बाद टिकट बुकिंग काफ़ी तेज़ स्पीड से होगी, ओके। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा, मतलब हैंग भी नहीं होगा, जैसे ज़्यादा लोड हो जाता था वो सारी प्रॉब्लम आती थी, तो अब वो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एज वेल एज खाना ऑर्डर करना भी आसान होगा आपका उसी के थ्रू, IRCTC के वेबसाइट के थ्रू खाना भी आप इजीली ऑर्डर कर पाएंगे। और 1 मिनट में 10,000 से ज़्यादा टिकट बुकिंग का लक्ष्य भी है इनका। और धीरे धीरे ये जैसे जैसे इंडिया ओपन होते जा रहा है, जैसे जैसे अभी अभी नया स्ट्रेन आया था जैसे कि कोविड से रिलेटेड, तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि एस्ट्राजेनिका, ओके, जिस जो कि यूके में आज उन्हें मिल गया है क्लियर कि कोविड वैक्सीन को क्लियर बाय यूके एज इट फाइट्स म्यूटेंट वायरस। तो इन्होंने कह दिया है कि हम 100% तक जो कोरोना वायरस है उसमें इफेक्टिव है हमारी जो वैक्सीन है, तो उन्हें वहाँ से क्लियर मिल गया और क्लियरेंस मिल गया। और आज के दिन, शायद आज या कल में या कुछ दिनों में, हमें इंडिया में भी ये लॉन्च होते हुए नज़र आएगी। और ये सब इंडिया की नंबर पहली वो होगी जो इंडिया में क्लियर क्लियर क्लियरेंस पे आ जाएगी, और वैक्सीन मिलना फिर धीरे 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 लोगों को शुरू हो जाएगा जैसे जैसे मिलता जाएगा। और इंडिया में वैसे ही रिकवरी फास्ट हो रही है, तो हमारी IRCTC जो ट्रेन है, जो वेबसाइट है और जो हमारा शेयर है वो चलना शुरू हो जाएगा। इसी वजह से देखिए, आज IRCTC में अच्छा खासा मूव भी देखा गया है, क्योंकि कल एक IRCTC का नया लॉन्च हो नई वेबसाइट लॉन्च हो रही है, ओके, लैप जिनका ऐप है वो अपग्रेड हो रहा है। तो देखिए, आज के दिन ही जहाँ पर नॉर्मल चल रहा था, फिर यहाँ पर एक जंप आई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी न्यूज़ के बदौलत यहाँ पर जंप देखी गई है।
और इस वजह से भी है कि OFS वगैरह सब कुछ प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है। तो ये जो इसका मैक्सिमम अगर हम चार्ट पैटर्न देखते हैं, तो 1900 अगर बात की है 1994 लगभग 2000 रुपये का लेवल था, ओके, OFS से पहले लगभग 1700 का लेवल था। तो इन दोनों लेवलों को बहुत जल्दी क्रॉस करने वाली है, और आपके पैसे जो आपने इन्वेस्ट किए हैं और आपने वेट किया है, और आपने ये जो कंसोलिडेशन फेज़ था जहाँ पर लोग पैसे बना रहे थे, वहाँ पर आप वेट कर रहे थे कि कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा, तो अब बढ़ने की कगार पे है, और आप इस जर्नी में वो बहुत एंजॉय कर पाएंगे। और अगर हम कुछ फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो IRCTC के फंडामेंटल्स बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, रिजर्व्स पर काफ़ी बेहतरीन है, लगभग 1167 करोड़ रुपए के यहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लसेस है। और डेट की बात की जाए तो कंपनी डेट फ्री है, इसी चीज़ का फ़ायदा इसने कोविड में उठाया है, क्योंकि अगर डेट होता तो ऑब्वियसली बात है वहाँ कहीं ना कहीं उन्हें पे करना पड़ता बैंक्स को, ओके, डेट में उनका कर्ज इंटरेस्ट पे करना पड़ता, तो यहाँ पर आपको रिजर्व्स कैश कम होते हुए नज़र आता है। बट इनके पास रिजर्व्स और कैश तो इफ एफिशिएंट है ही, एज वेल एज अगर हम बोरिंग की बात करें तो किसी भी तरीके की बोरिंग नहीं है, तो ये सबसे अच्छी बात है। करंट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, बट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें जो कि बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, लगभग 1300 करोड़ रुपये का इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। और बाकी मैंने एक वीडियो बनाई थी यहाँ पर, आप देख सकते हैं, लगभग 2000 लोगों ने यहाँ पर देखा था, तो इस IRCTC से रिलेटेड बनाई थी। OFS ख़त्म हो चुका है, ओके, एंड अब जो इसके टारगेट है, अच्छे खासे इसके टारगेट है, इस वीडियो को आप जाके देखेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ये की वीडियो एग्जैक्टली है क्या। इसमें और भी मैंने फंडामेंटल्स को अच्छी तरीके से कवर किया है, तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके, एंड इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डेफिनेटली पूछ लीजिएगा, उससे जानकारी ले लीजिएगा, खुद की भी अपनी स्टडी करिएगा, क्योंकि शेयर तो देखिए बेहतरीन है ही, इन्वेस्टमेंट का शेयर है, कभी भी रख सकते हैं, मोनोपोली बिजनेस है, हमेशा के लिए भी रखेंगे, तो इसमें कभी घाटा नहीं होने वाला, गवर्नमेंट कंपनी है। तो आइए, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को, जो आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।